हैं कि इस बर्तनों को यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं। पहले हम मीठे से शुरुआत करते हैं। हम कुछ हम हलवा बनाएंगे, तो इसके लिए है हमारे पास में सूजी, 1 कटोरी सूजी। शुगर है, इसका हाफ क्वांटिटी शुगर लिया मैंने, आधी कटोरी शुगर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने लिया है मिल्क पाउडर, और ये थोड़ा सा आलमंड्स लिया है, थोड़े से हमने बेदाने लिए हैं या किशमिश ली है, और थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। गरम पानी भी हमको लगेगा, तो इसमें हमने गरम पानी भी लिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा हलवा। देखिए, अब ये सूजी का हलवा बनाने के लिए आप गैस को मीडियम फ्लेम पर रखिए। 2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट बर्तन गर्म कर लीजिए, फिर इसमें ये सूजी डाल लीजिए। अब इसको धीरे धीरे हिलाते रहने का है। बर्तन थोड़ा सूजी को ब्राउनिश कराना चालू हो गया ना, तो गैस को एकदम से कम कर दीजिए, एकदम लो फ्लेम पर रखिए। इसमें जब आप सूजी को रोस्ट करते हैं तो तेल या घी डालने की जरूरत नहीं रहती। आप खाली प्रॉपर उसको हिलाते रहिए और टेम्परेचर मेंटेन रखिए उसका। तो इसमें जो सूजी का दाना रहता है वो ऐसा खसखस जैसे, बोलते हैं ना, खसखस जैसा फूल जाता है वो, जो आपके रेगुलर इसमें इतना फूलता नहीं है जितना, क्योंकि इसमें हीट जो है वो इवनली स्प्रेड होती है। क्लोज लग रहा है। ये देखिए, अभी इसका टेक्सचर देखिए आप, ये पूरा जो ये ऐसा फूल जाता है। ये टोटली अपन ने पूरा ड्राई रोस्टिंग किया हुआ है, जो अपने रेगुलर बर्तन में इतना अच्छा वो रोस्ट नहीं होता है विदाउट तवा वाली। अभी अपन ने पानी गर्म करने को रखा है। बाकी आपने जितना सूजी लिया है उससे डबल पानी डाल देना उसमें, और इसमें चाहिए तो आधा कप दूध या थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल सकते हैं इसमें। ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, अब इसको उबाल आने दें।
अब इसमें सूजी डाल देंगे। ये सूजी का पानी जो है वो पूरी तरह इसमें पानी पूरा एब्सॉर्ब हो जाना चाहिए, ये पूरी इसका जो टेक्सचर है ये ड्राई हो जाना चाहिए। ये इसमें डालने के बाद एक डेढ़ मिनट में ये पूरा देखिए जैसे आपने आपकी तैयार सूजी रहती है वैसा ये ड्राई हो गया। अब ड्राई होने के बाद आप इसमें शक्कर डालें। अब शक्कर डालने के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अब इसको मिक्स कीजिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको इसको हिलाने का नहीं। अभी जब आप इसमें शक्कर डालते हैं तो ये वापस थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब ये शक्कर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इसको ऐसा पूरा एक जैसा सेट कर लीजिए और ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये सूजी तैयार हो जाएगी। सूजी का हलवा देखिए अपना, अब ये सूजी का हलवा जो है ये तैयार हो गया। अपन इसको अपने 10 मिनट के लिए ढक के रखा था, इसको हिलाया नहीं, कुछ नहीं किया। अब इसका टेक्सचर देखिए, आपका रेगुलर हलवा रहता है वैसा हलवा है। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो कहीं पे भी ये जला हुआ नहीं है या नीचे लगा हुआ भी नहीं, जैसा आप घी डाल के बनाते हैं वैसा ही ये बना हुआ है। अब इसके आप टेस्ट देखेंगे। चलिए अभी देखते हैं इसकी टेस्ट कैसी है। टेक्सचर तो इसका बहुत अच्छा है और इसमें स्मेल भी इसका बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि इसमें अपने जैसे नॉर्मल घी का जो बनाते हैं वैसे ही लग रहा है एग्जैक्टली। तो चलिए टेस्ट देखते हैं इसकी। एकदम डिलीशियस है, समझ में भी नहीं आ रहा है ये कि ये बिना ऑयल के या बिना घी के बना हुआ है। आपको चाहिए तो इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं ऊपर से। जिसको अगर घी चाहिए ही है तो एक आधा चम्मच घी आप जब इसको ये शक्कर मिक्स करते हैं उस टाइम आधा चम्मच ऊपर से घी डाल के जस्ट ये ना आपको फ्लेवर चाहिए घी का। हाँ। इसके लिए आप कर सकते हैं, फ्लेवर है मिला के वहां मिक्स करके वैसे जैसा प्रोसीजर बताया वैसा कर सकते हैं। हाँ, तो एकदम टेस्टी बना है। आप भी जरूर ट्राई करके देखिए और देखिए कि कैसा लगता है आपको। इसी तरह से आपको सूजी का उपमा बनाना होगा तो वो इसी तरह आप बना सकते हैं। उपमा के लिए आप जैसा इंग्रेडिएंट्स लेते हैं एक कटोरी रवा और दो कटोरी पानी वही प्रोपोर्शन में लेना है। और तड़के के लिए आप उसमें बर्तन में डायरेक्ट जीरा मोरी डाल दीजिए, तड़कने के बाद उसमें हरी मिर्ची कड़ी पत्ता डालिए, उसको हिलाइए और उसमें फिर बाद में डबल पानी डालिए। उसको उबाल आने के बाद उसमें नमक और रवा, अपन ने जैसे रवे के लिए सूजी के लिए रोस्ट किया था सूजी का रवा ये मीठा बनाने के लिए, उसी टाइप में पहले रवा रोस्ट करके लेने का, बाद में उसमें पानी में मिलाने का।